नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन माई फ्रेम्स पर। इस वीडियो में मैं आपको शेखावटी की एक और शानदार हवेली, पोद्दार हवेली दिखाने आया हूं। पोद्दार हवेली डॉक्टर रामनाथ पोद्दार ने सन 1920 में बनाई थी। देखिए कितनी बड़ी और चित्रों से सजी हुई हवेली है। ये देखिए इसका मेन गेट और इसके दोनों तरफ चबूतरे। गेट पर और उसकी छत पर बनी हुई पेंटिंग्स इस हवेली को एक भव्यता प्रदान करती हैं। मेन गेट से अंदर आने पर ये चौक है जिसको बहुत ही फैसिनेटिंग और एलिगेंट पेंटिंग से सजाया गया है। देखिए इस चौक के अंदर चारों तरफ दीवारों पर कितनी शानदार पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो उस समय की वेशभूषा, पहनावा, रहन सहन इन सबको प्रदर्शित करती हैं। ये सामने खिड़कियां और इन पेंटिंग्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ये जो आप देख रहे हैं सामने इंजन और उसके पीछे लगे हुए सैलून्स बने हुए हैं, और उसके बिल्कुल नीचे देखिए एक पेंटिंग महाभारत से ली गई है जिसमें युधिष्ठर को चौसर खेलते हुए दिखाया गया है। ये है अतिथि कक्ष जिसे आजकल हम ड्राइंग रूम कहते हैं। यहाँ बाहर से आए मेहमानों को बैठाया जाता था। ये कक्ष देखिए कितनी सुंदर और बारीक पेंटिंग से सुसज्जित है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है कपड़े का पंखा, क्योंकि उस जमाने में बिजली नहीं होती थी, इसलिए आदमी हाथ से इस डोरी से खींच के इस पंखे को चलाया करते थे जिससे बैठे हुए लोगों को हवा मिलती थी। ये जो आप ऊपर झरोके देख रहे हैं यहाँ से घर की औरतें बैठकर नीचे हो रही गतिविधियों को देखती थीं। ये देखिए मेहमानों के लिए मसनद लगी हुई, इन तकियों को मसनद कहा जाता है। और ये है छोटा सा मीटिंग रूम। और ये मुनीम के बैठने की जगह जहां तिजोरी रखी जाती थी। आइए अब हवेली के अंदर चलते हैं। सामने आप ये दरवाजा देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दरवाजा जो हमें हवेली के अंदर की तरफ ले जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की पेंटिंग्स बनी हुई हैं दोनों तरफ दीवारों पे। शेखावटी की सभी हवेलियों में अंदर की तरफ एक चौक होता है जिसमें घर की महिलाएं और बच्चे रहते थे। ये सामने का जो एरिया आप देख रहे हैं इसे तिबारा कहा जाता था। यहां घर के लोग आपस में मिलके या बाहर वालों के साथ मिलके बैठ के बात किया करते थे।
आप देखिए पूरी हवेली कितने सुंदर चित्रों से भरी हुई है। हर दीवार पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं। इस हवेली को अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें इस परिवार की जो चीजों की कलेक्शन है उसको प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए छत पर कितनी सुंदर और बारीक कारीगरी की गई है। यकीनन इसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यह है फेयर एंड फेस्टिवल गैलरी, जहां पर राजस्थान के सभी मशहूर फेस्टिवल्स और डांसेस की पेंटिंग्स लगी हुई हैं और पेंटिंग्स के जरिए उन सभी फेस्टिवल्स और डांसेस को दिखाया गया है। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि कोई हवेली इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। यह है मिनिएचर आर्ट गैलरी। यहां पर राजस्थान के हर स्कूल की, जिन्हें जैसे संगीत में घराने होते हैं, इसी तरह पेंटिंग्स में ये स्कूल्स होते हैं, और यहां पर सभी फेमस स्कूल्स की मिनिएचर पेंटिंग्स लगी हुई हैं। बहुत ही बारीक काम है इन मिनिएचर पेंटिंग्स में। और इस कक्ष में खेल का सामान, इंडोर गेम्स का सामान और डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। ये देखिए शतरंज, ये है चौसर और ये है चौपड़। और यहां देखिए तरह तरह के डेकोरेशन पीसेस हैं। इन सब को देख के लगता है कि ये परिवार कितना संपन्न रहा होगा। और इस कक्ष में राजस्थान के सभी फेमस पैलेसेस के मॉडल रखे हुए हैं। ये देखिए सामोद पैलेस, ये है हवा महल, उम्मेद पैलेस जोधपुर, सिटी पैलेस उदयपुर,
और ये डीग पैलेस डीग ये देखिए सभी कक्ष इस गलियारे में खुलते हैं और ये ऊपर से हवेली का व्यू। ये हवेली का ऊपर का पोर्शन है। ये कक्ष है मार्बल आर्ट गैलरी। इस कक्ष में संगमरमर की बनी मूर्तियां, सजावट की वस्तुएं, जिन पे सोने के पानी से काम किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए एक दुल्हन को प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है उसको सजाया हुआ। और ये है टर्बन गैलरी। इस कमरे में राजस्थान में बांधी जाने वाली तरह तरह की पगड़ियां रखी हुई हैं। राजस्थान में पगड़ियों का शुरू से ही एक महत्व रहा है और आप किसी भी इंसान की पगड़ी देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस जिले का रहने वाला है और उसकी सामाजिक हैसियत क्या है। तरह तरह के डिजाइन और तरह तरह के कपड़ों की पगड़ियां। और ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गैलरी। इस कक्ष में उस जमाने के तरह तरह के संगीत के वाद्य रखे हुए हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। इनमें से बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स तो मैं ऐसे देख रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये चिरपरिचित हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंजीरा, शायद ये। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।